कमाइत कमाइत हमर हालत खराब भेला। ई सब एतही खतो एतही होग देतो। चार चार गो तीन तीन गो मौगी मर्दावे लइका सब मिल के पूरा घिना दे। हम साफ करी सबके नौकर हती लागल। केने हती से बुझाइत न हो घिनाइले रहला रहते। ओ इतनो काम न होइ छ लइका पैका से कुछो न होइ छ तोरा। तू आता समझाइले ओकरा कुछ दान पुण कल करू न। दान दान पुण करती और त इतना बड़का को बिल्डिंग घंटा में से बनती और हो बाप कन ऐसन बिल्डिंग ये सब का काट काट के जमा कैले हती। हम दान पुण पाप हम कथी पाप करले जे पाप धोयत हमरा। दान पुण सब दाने क दू माने सब दान होय त कम से कम गंगा तो नहा लू। गंगा नहा से पाप धुल जत माने दान न करबे गंगा नहा लेबे त हो जत। अच्छा ठीक हो त तू कहै छ त हम नहा लेबो लेकिन दान करे के नाम न ले। दान करे के नाम न लिहा हमरा सामने लइका फैका के हम कथी देबै जे दान क दू। हम नहीं न बाद में होतै। ठीक है हम जाइले रखा एकरा। जा भगवान हम तो मोटरिया बाहर छोड़ू कितन करूँ तू देख ले ना तो मोटरिया को लेके चल जाए ना तो वही खाना पीना सब है। हम तो पैदल जाए वाला हती रास्ता में वही खा के रुक इतनी रोक दिली मोटरिया अब तब हम तनिका पूजा कर ले सामने रहत को न ले जाए। अब ठीक है तैसे को न ले जाए। हाँ अब रहुआ हम दिल के बात कहले दिन में न अबले बहुत आदमी रह हमारा तो शांति से है पूजा करे के रवजन में करे कहले कि दान चंद हमार नाम है मेहरारू कहले कि दान पुण तो करबे न करे कहाँ से करिए रउआ जनैली 50 बीघा जमीन में दिले हती या 2 गो बिल्डिंग आ 3 गो बेटा। अब हिसाब कैसे लगाओ छोटका बड़ा तेज बनै छै कहै छै कि न बाबू हम 1.5 न लेब से हमरा सीधा सीधा चाही। अब बताऊ 16, 43 अब 2 बीघा के हिसाब हम कैसे करिए 150 बीघा जमीन देती है तो तीनों के 50-50 बीघा हो जाते। अब रोगे बताऊ कैसे करिए कहल कि दान पुण करे लगी हमारा हो ये ना हम तो खाए लगी है सतुआ बांध ले ये पैदल चल दिली है 18 किलोमीटर दूर आ जाए वहे गंगा नहाए हम कहत हथिन कि पाप धोत नहीं तो जाए ले पाप तो ऐसे हम कर ले बस हती से बेटा पुतवा के लिए जमा करे हम जा रही है आर सब कहिए कि जे बड़ा कंजूस है अब कहाँ से होती से रउे बताऊ तो रउआ तो सब जनते हती तनिका ध्यान देवे लैका उका पर हम ये चल ली सतुआ लेके हुए गंगा नहाए आ बाकी गलती सलती माफ कर रउआ तो सब जनते हती हमर दिल के बात चलैले हम। वाह रे संसार कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर। इस व्यक्ति को हमने कितना सारा चीज दिया फिर भी इसे संतोष नहीं। कंजूसी की भी एक सीमा होती है। हमने इतना सारा दिया और इतनी कंजूसी। चलो तुम्हारी इस कंजूसी की प्रकाष्ठा की परीक्षा लेते हैं हम। ओ दानचंद कहाँ जाए थे तो गंगा नहीं है गाड़ी न मिल रहा पैसा तू देव पैदल न चल जाए जा जिलेबी खा जा। इन्ने में जाए आ फिर कोनो टोक दे ये में जा से अच्छा है यही में चल जाए चौड़े चौड़े ठीक है की? बाप रे बाप ये तो चप्पलबो टूट जाए तो हमारा ऐसा गरीब आदमी के ये चप्पल हर महीने कहाँ से खरीदम एकरा उठा ले लिया पैदल चलम ऐसी गोरे ना भोकत तनिका और का होते चल जब अब तक लग चाहले है ये बाराना जे है जंगल उपज गेलै आ कथी करै छौ
कथी करे थे बुझाई न हो ये तमे थी गोहूं बाव होते बसंता घाट कितना दूर है अब बसंता घाट का ये न है घरबा बुझाई है 18 किलोमीटर से पैदल चल चल के थक गई है 18 किलोमीटर से पैदल भकुरहर से अब भकुरहर से अरे बाप रे बाप तो गाड़ी घोड़ा न रहल रहे पैसा बच जत पैदले चल जाइए सतुआ ले लेली है भात अच्छा। रास्ता में खलिये है सोचली कि पैदल ही चल जाए ले। बाप रे रउआ धन न हती लेकिन बाबा ये है गरीब न हती गरीब हती भाई सकल तो गरीब वाला न लगाई था रउआ अब लोग ऐसे कहल कि जे पैसा वाला है लेकिन हमारा पैसा ही साथ थोड़े रउआ धन हती हे प्रभु जाओ बस 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 ये आ गेल रउआ बढ़ू रउआ 18 किलोमीटर पैदल चल रही हाँ हाँ का उ घर बार न बुझाई था बाप रे दुनिया में ऐसनो ऐसनो लोग हो बाप रे बाप थक गेली गोर तो दुखाई है इतनी ही बैठ जाए अब तो लग चाल है ये है कहलथिन कि तनिके दूर ही का है तो तनिका बैठ के आराम कर ले गोर तो दुखाई है 18 किलोमीटर न चल के लिए तनिका आराम कर ले बाद चल जब फेरू आ गई न 18 किलोमीटर पहुँचिए जब चल तो अली गोर तो बड़ा दर्द करते हैं बेटवा सके बुझाई कहिए साइकिल किन द हम यहाँ एक एक रुपया बचा के ये पैदल 18 किलोमीटर से अबली उनका साइकिल चाहिए सब ओकरे सब ले है लेकिन समझिए ननू अब आ गई है तो पहुँचिए जब अब तक पहुँच गए हती अब चल फिर एक बार जोर लगब पहुँच जब घाट पर बड़ सुख सारा पावला तू अतीरे पर साल पाए तरु तू अनीरे एक अपराध छे मब मोर जानी पर साल पाए तरु तू अपानी भन विद्यापति समदा तो ही अंत काल जानी बिसरा मोही क्या चेला बड़ा मस्त ना है बाबा कुछ समझ में आया समझ में बहुत कुछ आया बाबा क्या समझ में आया समझ में तो यही आया कि अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया है बाबा वो तो है क्या कैसे होगा गंगा जी को तो हम लोग बोहरा रहे हैं बोहरा रहे हैं कंटिन्यू हे माई आज कोई यजमान दिख नहीं रहा नहीं बाबा है? इसका कोई उपाय तो होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए माता से आराधना करो ठीक है कोई ना कोई यजमान मुड़ने के लिए आना तो चाहिए बिल्कुल बिल्कुल क्या अभी तक कोई आया नहीं संध्या कालीन तक हम लोग यहाँ प्रतीक्षा रख रहे हैं मेरे आदेश अरे बाप रे बाप ये तो एतुह सारा बाबा जी बैठल है ये तो हमरा एतुह लूट लेत हम खाना न खाइले पैदल चलैली है 18 किलोमीटर से आ ये तो लगे थे ते लूट लेत ऐसन कौन है जरा दान चंद न ठगलक ये हमरा से ठग लेतन हम इतने नहेबे न करम जे हमरा ठगतन चलैले हम ऊ घाट पर नहा ले घूम के जा रहा लखा रहे चला गया हाँ हम लोगों से भी कोई पाजी व्यक्ति लगता है लग तो रहा एक तो हम लोग यहाँ बैठे हैं तीन दिन से बोहनी नहीं हुआ है आखिर भागा क्यों व्यक्ति लगता है कि हमसे भी ज्यादा तेज है क्या बिल्कुल तुम क्या कहते हो यही लग रहा है हमको भी कोई ना कोई और भी आएगा इच्छा करो ठीक है बाबा चलो जय गंगा कुत्तो बिलाई रही से हम का करू हम नहाए के पड़े ओने कारी तो पंडा उंडा रह गया बहुत इत ही नहा ले यहाँ भगवान के छोड़ के कोई न आवे वाला है पंडा पंडित एगो चरणी हम दाने न करम हमरा से दान ले लेता उन्हें नहाबे न कैली है लगी इतने नहाएम इन्हें लाश उस फुकाई छी इन्हें थोड़े कोनो होते मेहरारू कहत रहे कि नो दान करम तो कम से कम गंगे स्नान कर लूँ ताकि पाप धुल जाए
आ गई हम मेहरारू के कहे पर का करू यहाँ देखले कि 100 पंडित जी हैं सब तो हमारा से लुटिए ले हम इनका दे देम तो हमारा कथी बचत 50 बीघा जमीन में जय है गंगा भैया पाप हमर धो दी है जजमान की जय हो जजमान आओ जजमान आओ 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 जजमान दानपुन करिए दानपुन करिए दानपुन कहां से हमरा तो कुछ होइए ना है जे दानपुन करम आपके जैसा बहुत आता है यहां पर और महीना महीना भर के दे जाता है अरे दानपुन करे के रहत रह तो हम इहे घाट पर हम तो उन्ने से बच के ने ले रहुए तू पधार देली दानपुन होइए ना है करना पड़ेगा कुछ ना है हम कहां से दानपुन करम कुछ तो दीजिए कुछ ना है हमरा तो हम कहां से देम कुछ हम तो ये नुका के नहाइत रही अपने कहा दोनी से अचानक हम दिखली कि कोई है या गेली रुआ पास कुछ ना है कुछ ना है हमरा पास कुछ तो देवे के होई कुछ तो हमरा कुछ ना है हम अपने खाए बिना देख न रहली शरीर दाना तो चुन चुन के खाई ले हम दियो कहां से अपने के तो माटिए देना दू माटी ऐसा करू ना अपने लिख लू उधार हां उधार लिख दे उधार संकल्प करू अच्छा कॉल ले संकल्प रहुआ कहिए त लेकिन उधार रह ठीक ठीक तो बिहान आए हम हां तो ठीक है अपने बिहान आऊ हम बिहान दे दें ठीक चलइले हम देखो त ई चाय इतना के पिए छ सब चाय में खत्म कर दिया हम यहां का काट के पैदल पैदल घूम के आइले कल गंगा जी से आ तू चाय पिया के लुटा द सारा राजपाट के बंद करो ये सब चाय फाय चाय ना बनते कोनो लगी चलो तो हम आ गए हैं इसकी कंजूसी की परीक्षा ली नारायण नारायण कोतिल हल्ला करत रहिए कपवा सब के केकरा पिया देल हुआ चाय पते चाय ना बना कर कहां से होते इतना पैसा देखा तो कोन गेट ढक ढक अबैत हो हमरा लगे तो कोनो मांगही वाला हो तो दे वाला तो कोनो है ना की अलैया प्रणाम सौभाग्यवती भवा वत्स की आपके पति कुछ बोले हैं देंगे बुलाइए उनको उनसे कुछ लेना है अच्छा रुको रुको बोला भाई ले सुनाई ले की कौन पंडित जी आए लतन मारू बेटी चोट के आ गेली हो हो ए हम तो कल्ले अति ज्ञान छोड़ा के भगली र की बिहान दे में तू आ गेलन हां आ गेलन जाके कह दू की ये तबीयत खराब है उनकर जाके कह दू की तबीयत खराब है अच्छा ठीक है तबीयत खराब है हां कह दू की तबीयत खराब है ठीक है कह दे ले तबीयत खराब है हां तबीयत खराब है हां अच्छा कोनो बात ना है वो तो हमारे जजमान होता है अच्छा तो हम यही जगह अपना बैठे ले रहे खाना पीना बना ठीक है ठीक है कॉल है भाई हमें अच्छा ठीक है बैठो बैठो सुनाई ले की वो तो बैठ गया ना हां हमरो से बड़का कंजर लगोई बुझाई तो है वो कंजर हती हमरो से बड़का कंजर हां हां जाके कह द कि ये मर गेलन दानचंद मर गेलन मर गेलो अच्छा ठीक है कह दे नाटक करैत हती मरे के अच्छा ठीक है बाप रे बाप बाबा बाबा तो मर गेलन रोड़ा कोते मांग लेली बाप रे बाप पति बेला मर गेलन कोते मांग लेली रोड़ा बाप मर गेलन अरे तुरा तू अच्छा ठीक है तो हम गांव के घर के जुटा ले रोड़ा के कोशिश करो आई लईका पैसा ना भाई ले बोलाइले हम ना रह तू रोड़ा अबई ले बोलाइले हम गांव भर के बुला के ले अबई ले सुनो ना की वो तो घर गांव कहे के हैं मर के नहीं रहूंगा ए सुनो ना चद्दर लेके आ जल्दी से अच्छा ठीक है ले हम मोरे के एक्टिंग कर रही है जल्दी लाओ बाप रे बाप तो गिर पाप कुछ कहले होता नहीं अरे पाप सुनिए 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 आपका पड़ोसी जो था दानचंद वो गुजर गया अरे कैसे हां जाके देखिए पता ना कैसे से जाके देखिए देखिए सुनिए आपका पड़ोसी जो था दानचंद से मर गया मर गया नहीं नहीं मर गया
लड़ने वाला लोग तो नहीं है। अरे भाई मर गया, मर गया, मर गया। जाइए जाइए जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, मर गया, मर गया, मर गया। पड़ोसी जो था आपका दानचंद्र गुजर गया। कब? अभी। चलिए चलिए महाराज, देखा देखा जाए। बहुत बुरा न्यूज है लेकिन। तो गेल बोहर गांव के बुलावे। जाए ना दहू, ओकरा से बड़का हम अपने उचक्का अथी कर ले घाट पर, ओकरा हम उचक्की करके भाग ली है। अच्छा। तो बुलावे दहू, देखा ना हम कथी कर ले। ठीक है, देखा इतरा। ठीक है, ठीक है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, रे बाप रे बाप, क्रिया करम है अब तो करे के होते। बाप रे बाप रे कैसे हमर दिन जत बाप। का भेलाई गुजर गेलो? हां तो हमरा से कोरोना जे अर्थी पर न ले जायला, खटिए पर ले जायला। हम तो कुछ न कहला ना, हमरा से कहलन नहीं बात। अच्छा चलो चलो, ये पर उठा के इनका लेके चल जा। ना ना ई कोने जइए न रुपा, सोन के साथ होई छ। ना 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 तो जरे भेलो, वहां कोनो बात न। हमर एको बाल बच्चा त न आगो, एकी रहता नी मोह माया के आगो जाय दहू के सारे जे है। समूह माया है से चला लेके चला हो, धरो हो भोला जी। बाप रे भाई जी, धरो उन्ने से। बाप रे बाप, ए कैसे चल गेलिए? सुनो ना, हां हम ना की काले अब तीनों हाथिर मरली सुतल हथि। तोहर मोह माया हो, अब त जे जाय वाला रहै छै उ ऐसी चल जाले। एक दिन हमहू जायब तुहू जायब। उ छोड़े ना पंडित जी, ठीके ना कहला तू ना। उ छोड़ा हो संभारे हो इनका। चलो अब इसे यहाँ रोक देते हैं, नहीं तो यह नाहक नहीं मारा जाएगा। नीचे आप लोग रखिए, कुछ जजमान के कान में कहना है हमको। जजमान के कान में अच्छा अच्छा कह दो। चलो साधु महात्मा के बात माने के चाहिए। जजमान हम भगवान हती, अब त आँख रौरा खोलू। अरे भाई मान गए, मान गए, हम भगवान हैं, खुद आए हैं, मान गए आप। आपको आप बोलिए, आपको जो मांगना है आप ही मांगिए, हम आपसे कुछो नहीं मांगेंगे। उठिए उठिए, आप ही हमसे कुछ मांग लीजिए, हम नहीं आपसे मांगेंगे। हमरा कुछो ना चाहिए, जे ढेला जे देवे लगी हम कहले हती से हमरा जान बकस दू। आपने जाऊ, हमरा कुछ ना चाहिए। ठीक है ठीक है, हम जाइ ले। जाय दे, सब चल गेल, हम तो रहली रे नाटक कर। जाय दे बाप रे, हे मृत्यु लोक के मनुष्यों, तुम इस संसार में क्या लेकर आए थे जिसे तुम्हें खो देने का डर है और जिसे तुम संग्रह करना चाहते हो। इस संसार में सभी चीजें त्याज्य है जिसे तुम त्याग करके चले जाओगे। अतः अपने कर्म के बदौलत तुमने जो कुछ प्राप्त किया है उसी में संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो, तो तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा सुखमय रहे। नमस्कार दोस्तों, तो मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जैसा भी आप लोगों को लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो मैसेज देने का प्रयास किया है वो बस मैसेज यही है कि हमें हमें जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसी में अपने जीवन को हंसी खुशी में व्यतीत करना चाहिए। हमें कजूसी की काष्ठा को भी नहीं लागना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन का अंत समय जो भी कुछ है उसी में हंसी से रहे, खुशी से रहे, प्रसन्नता से रहे और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। यही हमारा मैसेज है। धन्यवाद धन्यवाद।